अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती है तो सब्सक्राइब कीजिएगा और नोटिफिकेशन बेल बजाना ना भूलिएगा। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू माय चैनल जाजीज किचन। आज मैं बनाने लगी हूँ बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही टेम्पटिंग अपोलो फिश। अपोलो फिश एक फ्यूजन रेसिपी है जो हैदराबाद में बहुत रेस्टोरेंट्स में खाई जाती है, बहुत पसंद की जाती है। यहाँ मैं इन्हें मटर पुलाव के साथ सर्व कर रही हूँ, लेकिन आज मैं आपको सिर्फ अपोलो फ़िश की रेसिपी दूंगी। इंशाल्लाह मटर पुलाव भी जल्दी आएगा। तो शुरू करते हैं अपोलो फ़िश बनाना। प्लीज़ पहले इंग्रेडिएंट्स नोट कर लीजिए। इंग्रेडिएंट्स कुछ इस तरह से हैं। मैं ले रही हूँ फ़िश फिले, बोनलेस फ़िश जिसे कहते हैं। मैं ले रही हूँ अलास्कन कॉड, आप कोई भी फ़िश ले सकते हैं अपनी चॉइस की। 2 टेबलस्पून दही लूँगी। गार्लिक फ्रेश को मैं फाइनली चॉप कर लूँगी। हरा धनिया लूँगी हैंडफुल। करी पत्ता लीव्स लूँगी हैंडफुल। हरी मिर्चों को मैं स्प्लिट कर लूँगी 10 से 12 अदद। चिकन 65 मसाला 1 टेबलस्पून जो कि ऑप्शनल है। 1 नींबू का रस, लाल मिर्ची पाउडर 1 टेबलस्पून, गरम मसाला पाउडर 1 टेबलस्पून, सोया सॉस 1 टीस्पून, टमेटो केचप 1 टीस्पून, ग्रीन चिली सॉस 2 टेबलस्पून, विनीगर 1 टीस्पून, जिंजर गार्लिक पेस्ट 1 टीस्पून, तेल डीप फ्राइंग के लिए लूँगी, कॉर्नस्टार्च 2 टेबलस्पून, ऑल पर्पज़ फ्लावर 1 टेबलस्पून, 1 अंडा ले लूँगी। सॉल्ट में लूँगी हसबे ज़रूरत, रेड फूड कलर ऑप्शनल है। सॉल्ट के साथ आपने बहुत केयरफुल रहना है, क्योंकि जैसे कि चिकन 65 मसाला है उसमें सॉल्ट होगा, और जो सारे सॉसेस मैंने लिए हैं सारे सॉसेस में सॉल्ट होगा, और इस वजह से ये रेसिपी सॉल्टी होने का डर है, तो केयरफुल रहे। अब यहाँ मैंने फ़िश को क्यूब्स में काट लिया है। इसमें मैंने अदरक लहसुन लाल मिर्ची नमक और चिकन 65 मसाला और थोड़ा सा विनेगर टीस्पून भर इसमें मिक्स कर लिया है। अब मैं एक अंडा डालूँगी, इसे भी अच्छे से मिक्स कर लूँगी ताकि मेरी सारे पीसेस अच्छे से कोट हो जाए अंडे के साथ। इसके बाद मैं इसमें डालूँगी दही 1 टेबलस्पून, इसे भी अच्छे से क्विक मिक्स दे दूँगी। अच्छे से मिक्स कर लें, इसके बाद हम इसके अंदर डालेंगे मैदा जो कि ऑल पर्पस फ्लावर, और इसके बाद मैं डालूँगी कॉर्न स्टार्च, इसे भी अच्छे से हमने मिक्स करना है। चलें अच्छे से मिक्स कर लें, इसके बाद हम इसे डीप फ्राई कर लेंगे। तो एक पैन में मैंने यहाँ पर तेल ले लिया और एक एक कर कर मैं पीसेस को डीप फ्राई कर लूँगी। आपने बैचेस में करने हैं ताकि ये पीसेस एक दूसरे से लगे ना। इस तरह से आप थोड़ी थोड़ी दूरी पर एक एक पीस डालकर इसे तल लें, तब तक ये क्रिस्पी गोल्डन ब्राउन ना हो जाए। थोड़े से क्रिस्पी साइड हो, लेकिन केयरफुल रहें, जल्दी जल भी सकता है। तो चले मैंने तल लिया और इस तरह ये लग रहे हैं। चले अब इसकी सॉस हम रेडी करते हैं। तो एक पैन में मैंने थोड़ा सा ऑयल लिया, लगभग 1 टेबलस्पून। इसमें मैं अपनी स्प्लिट की हुई हरी मिर्चें और करी पत्ता फ्राई कर लूँगी, जिसे मैं गार्निश के लिए यूज़ करूँगी लेटर ऑन। आप इस रेसिपी को चिकन के साथ भी बना सकते हैं, बहुत मज़ेदार बनेगा। इस तरीके से अच्छे से इसे तल लें। अगर आप चिकन 65 मसाला भी बना चिकन 65 भी बना रहे हैं तो इस पर भी हम इसी तरह से मिर्ची एंड करी पत्ते गार्निश के लिए यूज़ करते हैं। चलिए ये हो चुके हैं तो मैं इसे निकाल लेती हूँ। उसी पैन में मैं अपनी लहसुन डालूँगी जो फाइनली चॉप्ड है, और हमने इसे काफ़ी ब्राउन काफ़ी डार्क नहीं करना, बस थोड़ा सा स्मेल अच्छी आने लगे, स्लाइटली गोल्डन ब्राउन हो जाए। चलें इसके बाद मैं अपना बचा हुआ 1 टेबलस्पून दही 2 टेबलस्पून पानी के साथ मिलाकर डाल दूंगी। फिर इसमें जाएगा लाल मिर्ची पाउडर, थोड़ा सा केचप, विनेगर, सोया सॉस, ग्रीन चिली सॉस, और इसे क्विक मिक्स दूंगी। रेड फूड कलर डाल रही हूँ, ये ऑप्शनल है, अगर आप नहीं डालना चाहते तो ना डालें। ये अच्छे से बन चुका है। अब इसके अंदर मैं अपनी फ़िश डालूँगी, लेमन जूस और हरा धनिया, और इसे क्विक मिक्स दे दूँगी
और ये तैयार है, बहुत मज़ेदार, इतनी ज़बरदस्त खुशबू आ रही है। बच्चों को तो बहुत पसंद आती है क्योंकि वो डिफरेंस बता नहीं सकते कि फ़िश है या चिकन। इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और ये मटर पुलाव की रेसिपी जल्दी आ रही है इंशाल्लाह, बट आप फ़िश ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे बताइएगा कैसी बनी है। और प्लीज़ शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल को सपोर्ट कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन बजाना ना भूलिएगा।